दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में, और ये हो रही है ट्रैक्टर से जुताई। और अमूमन हम अपने व्लॉग्स में जो खेत खलियान और गांव की जो ज़िंदगी उनके बारे में बताते रहते हैं। तो ये जैसे कि अभी इससे पहले इसमें कौन सी फसल थी? इससे पहले इसमें बाजरा था, जो का हम जानवरों को खिलाते हैं तथा और भी अनाज, बाजरे का अनाज होता है उसको हम खाते हैं तथा बेचते हैं। जानवरों को बाजरा खिलाया जानवरों को। हाँ, इससे पहले इसमें कोई और फसल थी और अभी दूसरी फसल बोने की तैयारी हो रही है। तो इसको फिर ये जोतते हैं खेत को, और जुताई जो हो रही है वो ट्रैक्टर से होती है। और भी बहुत सारे साधन होते हैं। पहले जो तुम्हें बता रहा था, पहले जो जुताई के साधन थे वो जुताई होती थी हमारी बैल से, डल्लब बैल से जो जुताई होती थी बैलों को बांध के। मगर आजकल जो है गांव में बैल वगैरह कुछ नहीं, अब तो ख़त्म ही हो गया एक तरीके से। जो भी जुताई हो रही है खेत की वो ट्रैक्टर से ही करते हैं। अगर किसी के पास ट्रैक्टर नहीं है, एक के पास ट्रैक्टर है गांव में, तो वो दूसरे से कह देता है भाई तू हमारे भी खेत जोत दो, और जो तुम्हारा उसका किराया हो या जो भी है वो हम दे देंगे। तो इस तरीके से जुताई हो जाती है। अगर नहीं होता है किसी गांव में, अब तो सभी के हर गांव में एक ट्रैक्टर तो है ही, अगर नहीं भी होता तो दूसरे गांव से कह देते हैं कि आप जो है वो हमारा खेत जोत दो, और जो भी जुताई का पैसा है वो उनको पर बीघा के हिसाब से दे देते हैं। तो ये इस तरीके से, अब जैसे कि आप ये खेत देख रहे हो जुताई हो रही है। अब फॉर इसमें जो है मान लो ये गन्ना बोते हैं, तो गन्ने का जो थोड़ा सा तना जो होता है उसको काट के बो देते हैं, और उसके बाद उसकी, या फिर कोई और फसल बोते हैं तो उसके, फिर कहने मतलब आलू ही बो रहे हैं तो आलू को काट के और फिर उसको बोया जाता है और उसकी फसल फिर तैयार हो जाती है। तो कोई भी फसल हो उसका बीज बोया जाता है और फसल फिर तैयार होती है। ये पीछे मेरे आ रहे हैं देखो, तो अमूमन जो कॉस्ट आती है, हम जरा बैक कैमरा कर लेते हैं। अमूमन जो कॉस्ट आती है एक बीघा की जुताई की कितनी आती होगी ट्रैक्टर से? एक बीघा की जुताई की लगभग 120 या 150 रुपये आती है। 150 रुपये पर बीघा, यानी कि किसी की एक एकड़ ज़मीन है, यानी कि 7 बीघा ज़मीन है। हमारे पीछे ट्रैक्टर आ रहा है, तो कहने मतलब ये है कि अमूमन जो एक एकड़ जिसके पास ज़मीन है, यानी कि 7 बीघा जिसके पास ज़मीन है, तो उसको अगर वो जुतवाता है किसी से किराए के ट्रैक्टर से कम 150 रुपये या 200 रुपये पर बीघा चलता है। 200 रुपये पर बीघा मान के चलो, क्योंकि लगभग 80-90 रुपये का तो डीजल ही आ रहा है, और 100 रुपये वो पर बीघा के हिसाब से अपना लेगा अभी, तो 200 रुपये मान के चलो, तो लगभग 1400-1500-1600 रुपये में 7 बीघा जो है उसकी जुताई होती है। ये रेट है, और सब अपने अपने अलग हिसाब से भी कुछ लोग लेते हैं, मगर 200 रुपये का एक रेट है खेत की जुताई का। तो क्योंकि एक ये भी बहुत समस्या है कि सब लोगों के पास ट्रैक्टर नहीं होता है, बट ये है कि लोग ये हैं अपना किसी न किसी से मांग कर ट्रैक्टर, या कुछ ट्रैक्टर भी मांग लेते हैं भाई आप अपना ट्रैक्टर दे दो, हम इसमें डीजल डलवा देंगे और जुताई अपने आप कर लेंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। तो अब जैसे कि हमारे पीछे फिर से ये ट्रैक्टर आ रहा है, और जब जुताई होती है तो बहुत अच्छा मतलब खेत लगता है एक्सरा होके। देखो बिल्कुल एक तरीके से। तो दोस्तों मिलते हैं यहाँ आज की वीडियो में, तो इतने ही थे। एक खेत की जुताई कैसे होती है आपको यही दिखाना था, और क्या क्या मतलब क्या कॉस्टिंग आती है जुताई की, और वो सब आपको बताना था। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं खेत और खलिहान की अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।